जो हम आजाद विजय काम चालू करने वाले थे, तो आजाद विजय काम भी हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम गाइस। इस टाइम आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तीन चार दिन से, या तीसरा दिन है, क्योंकि इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और बहुत ज़्यादा वजह क्या है कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जिस घर में मैं काम करता हूँ, वहाँ पर मेरे कपिल साहब में थोड़ा झगड़ा चल रहा है। क्योंकि वो झगड़ा इसके लिए हो रहा है, काम ज़्यादा है, और काम ज़्यादा होने के बाद भी, यानी गिर भी, काम ज़्यादा है तो मुश्किल नहीं, लेकिन जब आपके साथ में गिर होगा, आपके साथ में रोज़ झगड़ा होगा आए दिन, तो भाई काम से इंसान परेशान नहीं होता, परेशान हो जाता है झगड़े से, गिर से। कि जब आपके दिमाग में सिर्फ टेंशन टेंशन भरा रहेगा 24 घंटा, तो आपका क्या दिमाग में आ गया, ये सोचोगे कि हम भाग जाएं, या मेरा कपिल छुट्टी दे दे, या हमारा कपिल एग्जिट दे दे। अगर आप भाग कर जाते हो तो भाई भाग कर कभी भी मत जाना, क्योंकि भागने वालों को जल्दी कोई रखता भी नहीं है। जब कोई रख भी लेता है तो उसका फ़ायदा भी बहुत से लोग उठाते हैं, पगार नहीं मिलता, सैलरी नहीं मिलती, बहुत से लोग सैलरी देते हैं, आधी सैलरी देते हैं भागने वालों के लिए। अगर आपका कपिल खुरच मार रहा है, यानी कि छुट्टी मार रहा है, कतार में रहते हो, आपका कपिल छुट्टी दे रहा है, बोल सफ़र भेज रहा है आपको, तो बोलो हाँ हम छुट्टी जाएंगे, हम सफ़र चले जाएंगे। यहाँ का क्या निज़ाम है, अगर आपका कपिल छुट्टी भेजता है आपको, आपका कपिल छुट्टी मार देता है, यानी खुरच मार देता है, आप जाते हो खुरच, तो अभी कभी भी आपका कपिल इस घर में या उस कंपनी में आपको नहीं आना है। कपिल खुरच मार रहा, बोलता है कि हम खुरच मार रहे हैं, तो खुरच पेपर जरूर ले लेना यहाँ पे भाई। उस पेपर को बोलते हैं NOC, NOC आप जरूर ले लेना। कि NOC ले लोगे तो जब आपको घर भेजेंगे तो आपको घर जाने की ज़रूरत भी नहीं, आपका तनाजुल यहीं पर हो जाएगा। अगर आपका NOC है, आपका कपिल NOC आपको दे दिया, NOC पेपर आपको दे दिया, तो आपका तनाजुल खपाला यहीं पर हो जाएगा, ट्रांसफ़र यहीं पर हो जाएगा। वो अच्छे से अच्छी कंपनी में, वो अच्छे से अच्छे सैलरी में, कोई भी काम करते हो, हाउस में काम करते हो, बाहर कोई भी काम करते हो, कोई भी काम करते हो, अगर हाउस डिलीवरी में काम करते हो, कोई भी काम करते हो, आप जिस जिस कंपनी में चाहोगे, जिस काम में चाहोगे, आपका तनाजुल हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा और दूसरे कंपनी के नाम पर। यानी कि आप हाउस में तो आपको हाउस में ही, यानी हाउस ड्राइवर हो तो हाउस ड्राइवर का ही ट्रांसफ़र होगा। अगर हम ट्रांसफ़र करवाएंगे, हमारे पास NOC है, तो हम किसी भी कंपनी में कोई भी जगह जाकर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, यानी तनाजुल करवा सकते हैं। अगर आपके पास NOC नहीं है तो भाई आपका तनाजुल नहीं होगा, आपका कपिल, आपका मैडम छुट्टी मार कर भेज देगा, तो आप 3 साल नहीं आ सकते हो, बोलेंगे कि हमने आपको खुरच मार दिया है। कभी भी आपका कपिल खुरच मारे या छुट्टी भेजे तो उससे NOC पेपर जरूर ले लेना, और NOC पेपर पे उस पर साइन कपिल का होना बहुत ज़रूरी है। NOC पेपर है, कतर के अंदर आप रहते हो तो कोई भी ऑफिस में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो संपर्क करके किसी से, तो भाई आपका तनाजुल हो जाएगा। अच्छी से अच्छी कंपनी में आओ, अच्छे से अच्छे घर में, और जहाँ पर चाहोगे वहाँ पर आप काम कर सकते हो, आज़ाद वीजा में भी आप काम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, अब कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपका इस घर से मसला ख़त्म हो गया है। अब दूसरे घर में नए सीरियल से, या दूसरे कंपनी में, या आज़ाद वीजा में नए सीरियल से आप करोगे काम, और नए सीरियल से आपका एकाम बनेगा उस कंपनी नाम से, उस दुकान नाम से, या आज़ाद वीजा के नाम पर आपका नए सीरियल से एकाम बनेगा और नए सीरियल से आप काम करोगे। तो मेरा भाई इस टाइम झगड़ा चल रहा है 4-5 दिन से, क्योंकि गिर भी जाता है, काम भी जाता है, तो हमने कहा यार हमें गांव भेज दो, हमें सफ़र भेज दो, या तो हमें तनाजुल दे दो यहाँ पर। वो तनाजुल देने के लिए भी तैयार नहीं है, और गांव भेजने के लिए, यानी सफ़र भेजने के लिए भी तैयार नहीं है। तो हमने कहा कि हम काम नहीं करेंगे दोस्तों, हमने उसे 1 हफ्ते के लिए टाइम दिया है, हमने कहा 1 हफ्ते के लिए आपके पास टाइम है, 1 हफ्ते तक हम आपके पास काम करते हैं, आप दूसरा ड्राइवर ढूंढ लो जब तक ले हम यहाँ आपके पास। वो बोले कि ठीक है 1 हफ्ते तक आप काम करो, हम दूसरा ड्राइवर ढूंढ के हम आपको भेज देंगे। तो हमने कहा था हमें NOC पेपर चाहिए, जब हमें भेजना छुट्टी तो हमें NOC पेपर चाहिए, क्योंकि हमारा तनाजुल यहीं पर हो जाएगा, इंडिया जाने की ज़रूरत यहीं पर हो जाएगा, वो अच्छी जगह जो हम आज़ाद विजय काम चालू करने वाले थे, तो आज़ाद विजय काम भी हम यहाँ पर चालू कर रहे हैं, और सारा सेटिंग है, पर यहाँ से हम NOC लेकर हम निकल जाएंगे और अच्छी जगह सेट हो जाएंगे। अगर NOC पेपर नहीं देते हैं, फिर भी हमें परेशान करते हैं, छुट्टी नहीं लगाते हैं, खुरच नहीं लगाते हैं, तो भाई हम करेंगे केस इनके ऊपर, केस करने के बाद हम चले जाएंगे, और जाने के बाद मुझे मिलेगा NOC पेपर, केस करेंगे मुझे मिलेगा NOC पेपर, उस NOC पेपर से हम कहीं पर जा सकते हैं, और कहीं पर भी हमें तनाजुल मिल जाएगा, वो अच्छी से अच्छी जगह हमें सैलरी भी मिलेगा। अगर NOC पेपर मिल जाता है, तनाजुल करवा लेते हैं, 6 से 7 हज़ार रियाल सैलरी मिलेगी भाई, 6 से 7 हज़ार रियाल सैलरी, कोई भी कंपनी में कहीं पर मैं चला जाऊंगा, अब आज़ाद वीजा में काम करूंगा तो 8-9 हज़ार रियाल तो मैं ऐसे ही कमा सकता हूं आज़ाद वीजा में। अगर NOC पेपर मिल गया तो हम अपने जो ट्रांसफ़र कराएंगे या अपना जो तनाजुल करवाएंगे
आजाद विजम करवाएंगे कि 8-9 हज़ार रियाल में आराम से कमा सकता हूँ। आजाद विजम एक गाड़ी लेकर आराम से मैं कोई भी होम डिलीवरी या खाने का या कोई भी काम मैं कर सकता हूँ, उसमें बिल्कुल टेंशन या कुल बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस इस टाइम में परेशान हूँ, तो परेशान होकर इस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि 3-4 दिन से आप लोग के पास वीडियो नहीं आ रही है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो नहीं आ रही है। तो गाइस हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सही सही बताएं कि भाई कमेंट जरूर करें जो लोग कतर में हैं वो लोग कौन सा काम करते हैं। भाई आप लोग को भी परेशानी है या आप लोग को भी परेशान हो कमेंट जरूर करना, हम संपर्क आप लोग से जरूर करेंगे। अब आप लोग को राय मशवरा रास्ते दिखाएंगे वहाँ तक जाने का, आप किस तरह बच सकते हो, किस तरह निकल सकती हो। तो ये रही वीडियो आप लोग के लिए। तो गाइस सेम करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।